हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुराधा और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। बहुत सारे महिलाएं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड्स को लेकर कंफ्यूज्ड रहते हैं और बहुत सारे क्वेरीज मुझे इसी विषय पर आता है कि ये इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग था या फिर पीरियड्स का ब्लीडिंग था। आज की इस वीडियो में मैं कुछ चार ऐसे पॉइंट्स आपको बताऊँगी जिसे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि ये इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग था या फिर पीरियड्स का ब्लीडिंग था। पहला जो थिंग है वो है कलर। अगर आपका जो ब्लीडिंग का कलर पिंक या ब्राउन है तो इसका पूरा चांस है कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग था। लेकिन अगर आपका डिस्चार्ज का कलर ब्राइट रेड कलर का होता है तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होता है। दूसरी जो बात है वो है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ यानी कि कितने समय तक आपका ब्लीडिंग हो रहा है। जो इम्प्लांटेशन का जो ब्लीडिंग होता है वो बहुत ही हल्का लाइट स्पॉटिंग होता है, लेकिन जो पीरियड का ब्लीडिंग होता है वो लाइट स्पॉटिंग नहीं होता है, वो बिल्कुल भी डार्क कलर का स्पॉटिंग होता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है क्रैम्पिंग। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है या फिर आपको स्पॉटिंग हुई है और हल्का फुल्का सा क्रैम्प हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। लेकिन जो पीरियड्स का जो क्रैम्पिंग होता है, पीरियड्स आने से पहले 2-3 दिन पहले या फिर 4-5 दिन पहले, वो जो क्रैम्पिंग होता है, पेट में जो मरोड़ उठता है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होता है और ये बहुत समय तक भी हो सकता है। लेकिन जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो क्रैम्पिंग होता है वो हल्का फुल्का क्रैम्पिंग होता है। बहुत सारे महिलाएं इसे फील भी नहीं कर पाता है। ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत क्रैम्पिंग हो रही है, फिर 4-5 घंटे के बाद या फिर 6-7 घंटे के बाद फिर और एक थोड़ा समय तक के लिए क्रैम्पिंग हो रहा है, या फिर आप सोते समय या फिर उठते समय थोड़ा बहुत हल्का फुल्का क्रैम्पिंग हो गया तो ये इम्प्लांटेशन का क्रैम्प हो सकता है। और एक बात जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, पीरियड के दौरान ही आपको जो ब्लीडिंग होता है उसमें ब्लड हो सकता है, टिश्यू हो सकता है या फिर क्लॉट आ सकता है। लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के दौरान अगर आपको ब्लीडिंग होता है उसमें ना ही कुछ ब्लड आता है, ना ही कुछ टिश्यू आ सकता है, ना ही कुछ क्लॉट्स भी आ सकता है। और साथ ही साथ इम्प्लांटेशन के दौरान जो ब्लीडिंग होता है उसमें पैड्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और पैड लगाने की भी ज़रूरत नहीं होता है। सिर्फ पैंटी लाइनर से सिर्फ एक हल्का फुल्का धब्बा 1-2 दिन के लिए या फिर 2-3 दिन के लिए होकर चला जाता है और आपका बाद में पीरियड्स मिस हो जाता है। लेकिन अगर आपका पीरियड्स का स्पॉटिंग हो रहा है तो इसमें आपको पैड लग सकता है, और पीरियड्स का स्पॉटिंग पहले अगर स्टार्ट होता है वो ब्राइट रेड कलर का होता है और धीरे धीरे जो उसका अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, और उसके बाद 12 आवर्स के बाद या फिर 24 आवर्स के बाद आपका पीरियड्स भी शुरू हो सकता है। इम्प्लांटेशन का जो स्पॉटिंग होता है वो ऑन ऑफ स्पॉटिंग होता है, यानी कि एक बार स्पॉटिंग लग गया, फिर कुछ समय के बाद 4-5 घंटा 6-7 घंटे के बाद और एक बार स्पॉटिंग हो गया, ऐसे होता है। लेकिन जो पीरियड्स का स्पॉटिंग या फिर अगर पीरियड आने वाला है उसका जो स्पॉटिंग होता है वो ऑन ऑफ नहीं होता है, वो थोड़ा सा होता है, उसके बाद उसके अमाउंट है जो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और बाद में आपका पीरियड आ जाता है। सो अब हम जानते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कब होता है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका पीरियड्स 1 तारीख को शुरू होता है, अगर आपका साइकिल लेंथ यानी कि 2 पीरियड के बीच में जो गैप है वो 28 दिन या फिर 30 दिन या फिर 32 दिन का है तो आपका जो ओवुलेशन है वो 14, 15, 16, 17 इसी दौरान ही हो जाएगा, और ओवुलेशन के दौरान ही आपका फर्टिलाइजेशन होने का पूरा चांसेस है क्योंकि इसी समय ही आपके शरीर में एग का अवेलेबिलिटी रहता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्प्लांटेशन होने के लिए 6-7 दिन का टाइम लगता है। सो आपका पीरियड्स का 22 से लेकर 26 दिन के अंदर या फिर 28 दिन के अंदर ही आपका इम्प्लांटेशन हो जाएगा और इसी दौरान ही आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग दिख सकता है। बहुत सारी महिलाओं का सवाल होता है कि क्या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग सबका होता है। जी नहीं, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग सबको नहीं होता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ना होते हुए भी बहुत सारे महिला प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं क्योंकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग इतना हल्का और इतना लाइट होता है कि बहुत सारा महिला उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, और इम्प्लांटेशन क्रैम्प भी जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हल्का फुल्का, लेकिन उनका पीरियड मिस हो जाता है और दूसरे जो प्रेगनेंसी का लक्षण है वो दिखाई देते हैं। और पीरियड मिस होने के 7-8 दिन के बाद अगर वो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो उनको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गए हैं। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होना ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे महिलाओं को ये नहीं होता है, लगभग 60% महिलाओं को इन्हें ये नहीं भी होता है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर मदद करेगा ये जानने में कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड्स के बीच में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का टाइमिंग कब होता है और पीरियड्स का टाइमिंग कब हो। सो और इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।